हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन UAE। रिसेंटली अमेज़ॉन ने UAE में भी अपना सेलर पोर्टल एक्टिवेट कर दिया है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से अमेज़ॉन UAE में सेल करने के लिए, वो कर सकते हैं। सो उसके लिए ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अमेज़ॉन इंडिया में सेल कर रहे हैं तो वो सिमिलर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, और उसके साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड भी इंटरनेशनल पेमेंट वाला रिक्वायर्ड है। सो नॉर्मली UAE की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वैट नंबर चाहिए वहाँ पे कोई बिजनेस एंटिटी है उसके लिए। बट अगर आप सेल करते हैं इंडिया से, और अगर आप ये आपका सेल्फ शिप ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया पोस्ट या फेडेक्स या किसी और कुरियर कंपनी से इंडिया से एज अ इंटरनेशनल पोस्ट वो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको वैट रिक्वायर्ड नहीं है। वैट आपको तभी रिक्वायर्ड है अगर आप वहाँ से FBA सर्विस, अमेज़ॉन की FBA सर्विस लेते हैं। पहले मैं सेल्फ शिप का बताता हूँ। अगर आप सेल्फ शिपमेंट कर रहे हैं तो आपको बस एक क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए, आपका करेंट अकाउंट चाहिए, आपकी कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, और वो कुछ आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट, इस तरह का एक इंडिविजुअल आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट के साथ अपना आप सेलर पैनल पे अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो अभी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अमेज़ॉन कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा है। नॉर्मली अमेज़ॉन इंडिया तो कोई फ़ीस नहीं चार्ज करता है, बट amazon.com या amazon UK या दूसरे कंट्रीज़ में जो भी अमेज़ॉन के अकाउंट्स अगर आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ $39 मंथली फ़ीस लेता है। बट एज अ इंट्रोडक्टरी ऑफ़र अमेज़ॉन UAE में अभी कोई चार्ज नहीं है। आप जब अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वहाँ पे डालेंगे अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, तो वो एक AED अमाउंट आपसे कट करेगा जस्ट आपको वेरीफाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड, और उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। चार्ज आपको तभी लगेगा जब आपकी कोई सेल जनरेट होगी और वो अपना कमीशन चार्ज करेगा। अभी मैं आपको अमेज़ॉन सेलर पैनल UAE के में शो भी करता हूँ अपने लैपटॉप पे कि आपको कैसे अकाउंट बनाना है। तो चलो पैनल पे चलते हैं। ये हम आ गए गूगल पे। यहाँ पे हमको टाइप करना है services.amazon.ae। अब ये आ गया सेलर पोर्टल अमेज़ॉन का UAE के लिए। अब यहाँ पे अभी अगर हम प्राइस में जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्रोफेशनल अकाउंट आर नाउ अवेलेबल एट प्रमोशनल फी फॉर दिस AD 0.00 पर मंथ। यहाँ पे आपको स्टार्ट, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे अकाउंट पर ले जा रहा है मुझे। ये मेरे अकाउंट पे आ गया है, ये अभी मैंने कल ही अकाउंट बनाया है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ वर्बली, जब आपको ये अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, आपके करेंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, और GST नंबर वो मांग नहीं रहा है, आप अभी वो मांग नहीं रहा है, बस ये बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इसको आप अपलोड करते हो तो आपके अकाउंट एक्टिव कर देंगे, ये अप्रूवल के लिए जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 24 आवर्स में ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो और बाकी सब अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो अमेज़ॉन में तो आप जाओगे तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। शीट और जैसे अगर आप बल्क में अपलोड कर रहे हो तो थोड़ा सा उन्होंने फाइल फॉर्मेट चेंज कर दिया है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। अच्छा, दूसरा आपको ये चीज़ की ध्यान रखनी है, अगर आप यहाँ से शिपमेंट सेल्फ शिप करके भेज रहे हो तो वो एज अ एक्सपोर्ट में काउंट होगा, और अगर आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, IGST उसमें ज़ीरो होता है, वो सब करना है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर प्रोसेस है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल, आपके पास जो इसमें सेल आ रही है आप उसको नॉर्मल इंडिया पोस्ट से या किसी और से शिपमेंट कर दे रहे हैं तो उसमें फिर आपको वो सेल का जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो आपको एज अ IGST काट के दिखाना पड़ेगा, और अगर आपको टैक्स प्रॉपर एक्सपोर्ट करना है और उसका बेनिफिट लेना है तो आपको मैंने एक दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल एक्सपोर्ट पे बनाया हुआ है, आपको प्रॉपर LUT लेना होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग,
और जो एक्सपोर्ट जो शिपमेंट्स आप भेज रहे हैं आपको CSV5 के और कमर्शियल एज अ कमर्शियल शिपमेंट आपको भेजना पड़ेगा और उस तरह से फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं आगे। तो वो मैंने वो थोड़ा इस वीडियो में बताना काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं और ये सिंपल है। सो ऑल दी बेस्ट, और इस तरह के आपको और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको वीडियोस को लाइक करिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।